उज्जैन में गंभीर महामारी कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों का अंत हो उसी को लेकर अब ग्रामीण हनुमान जी के मंदिरों में पूजा अर्चना और अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो और इस गंभीर महामारी का अंत हो सके। उज्जैन शहर के कई मोहल्ले और तहसील सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों हनुमान जी के मंदिरों पर हवन पूजन अनुष्ठान यज्ञ होते हुए देखा जा सकता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जहां पर भक्तों श्रद्धालु ग्रामीण और स्थानीय रहवासी पूजा पाठ अनुष्ठान और भक्ति कर रहे हैं और हाथ जोड़कर यज्ञ में आहुति डालकर कामना कर रहे हैं कि गंभीर महामारी कोरोना वायरस का अंत हो और अन्य महामारियों का भी अंत हो। इन भक्तों और स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कलयुग में साक्षात हनुमान जी महाराज मौजूद है। अगर सच्चे मन से और विधि विधान के साथ दाता हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की जाएगी तो जरूर ही गंभीर महामारी कोरोना वायरस का अंत होगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मंदिर है और ये यज्ञ अनुष्ठान का क्या महत्व है और क्या है? ये कलयुग के हनुमान जी का मंदिर है, सभी गांव वाले मिलकर हवन कर रहे हैं महामारी के लिए और इस हवन से प्रार्थना करते हैं भगवान इस महामारी का। आप मानते हैं कि हनुमान जी के समक्ष पूजा अर्चना अनुष्ठान होगा तो गंभीर महामारी का अंत होगा? हाँ, तो है कि होगा और हवन से ऐसे भी वेद पुराणों में लिखा है कि वातावरण शुद्ध होता है धुआं से और इसमें अन्य तरह की सामग्री मिली हुई होती है। हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं जड़ी बूटियों से हर तरह की बीमारियों का अंत होता है। कौन सा मंदिर है ये? गणपति हनुमान जी का मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।